पहली ही फिल्म से शायद ये फैंस के बीच जाकर उनके दिल में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। जी हाँ, कई बॉलीवुड स्टार्स की तरह टाइगर श्रॉफ ने भी सिनेमा हॉल में जाकर ये जानना चाहा कि उनकी फिल्म को रिस्पॉन्स कैसा मिला है। टेक अ लुक। सर बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है सर, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है और इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारी मेहनत दो साल से आखिरकार काम आ रही है सर, तो हाँ उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक टू थैंक ऑल द फैंस, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पहली बार यहाँ पर आ रही हूँ और मैं स्पेशली चाहती थी कि मैं ऑडियंस के बीच में बैठकर देखूँ कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं फिल्म को लेकर, एंड जो रिस्पॉन्स मिला है थैंक यू सो मच टू एवरी वन। न्यू कमर्स की फिल्म है फिर भी इतना अप्रिशिएट हो रही है, इट्स अ ह्यूज थिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंकरेजिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। वी आर क्लाउड 9। फिल्म जो है ये खाली कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ऑफकोर्स यूथ को बहुत पसंद आएगी, यूथ कनेक्ट करेगा, लेकिन ये एक ऐसी फिल्म है जो हम पहले भी बोलते आ रहे हैं कि पूरी फैमिली को पसंद आएगी। इसमें हमने यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन दोनों के व्यू पॉइंट्स रखे हैं, तो आई थिंक ये पापा मम्मी को भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी उनके बच्चों को आएगी। To know more about Bollywood's latest news and gossips, please subscribe to our channel, Filmy Gossip.